अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग करते हैं शुरू। आज मेरी वॉइस को क्यों है, वॉइस को इसलिए है तो मेरी तबीयत है थोड़ी ख़राब। या आप देख रहे हैं मेरे आँखें कैसे रेड हुई हैं, इतनी तप रही हैं ना, आँखें खुलन बंद नहीं हो रही है। अल्लाह जी, तो आप रोटियाँ ही बना सकते हैं यहाँ पर आके, दूर इस टाइम तपा हुआ जी, तो आप रोटियाँ बना सकते हैं। आँखें देखें कैसे मोटी हो गई हैं और लाल सुई हो गई हैं जी। तो बस छुट्टी की है आज मैंने, फिर तो अब जाना है अब्दुल्ला को छोड़ने उसके कॉलेज। उसको बाइक तो चलानी पड़ेगी, सब्जी में भी कोई बात नहीं, कोई आसान काम है। लोग कहते हैं बाइक चलाना आसान काम है, लेकिन नहीं, बहुत मुश्किल काम है। तो माशाल्लाह जी सूरज निकल आया है अभी, तो चलते हैं हम, तो अब्दुल्ला को छोड़ते हैं। एक वो साई खड़ा हुआ जी, वो देखना अभी क्या करता, वो देखना जी, आप उसका एक्सपोज देख सकते हैं वो क्या करने लगा है अभी। वो देखें जी, पता वो क्या कर रहा है, वो ना खड़े होके शी कर रहा है, इतना गंदा जी वो रोड पे खड़े होके वो शी करता सारा, फिर खुला के सुबह सुबह पानी शानी भर के ला के तो वो शी करता है, इतना वो गंदा है जी। तो अभी चूल्हों के सबके सामने एक पर्दा दिया, वो बहुत सर्दियाँ ना इसलिए। तो ये माशाल्लाह जी फिर से अंडा देने की तैयारी कर रहे हैं सारे। वो देखें उसने देख, उसके बच्चे भी निकलने वाले हैं अब तो, तोतों के बच्चे बड़े हो गए हैं। वो देखें वो तोते का एक बच्चा वो कुजे में बैठा हुआ वाइट गर्दन करके, इनका भी एक बच्चा बड़ा हुआ शायद, या नहीं हो पता नहीं, मार दे। वो एक तोता है वो रात से बगैर से करता है, वो बंदे उसके जाके बाइक पहन देता दूसरे को, कोई बात नहीं अब्दुल्ला को छोड़ते हैं जहाँ उसको, तो फिर वापस कर आते हैं। अब्दुल्ला को छोड़ने अब्दुल्ला आ गया, तो ये बाइक भी अब मुझे चलानी पड़ेगी, तो निकाल रहा हूँ बाइक वाइक। अब्दुल्ला आ गया तो अब्दुल्ला को बोलते हैं पहले चलाओ, उसको वहाँ पे जाकर छोड़ के, तो फिर हम वापस छोड़ दिया। तो अब्दुल्ला जा रहा तो अब हम भी चलते हैं घर जाकर, मोबाइल गिर गया था तो पता बाद में चला, फिर मैं वापस जाकर लेके आया हूँ जी। पट्टी के पास गिर गया था, जा रहा आ रहा था पट्टी के पाई नीचे गिर गया, तो जरा पानी में भी गिरा बच गया जी। तो जब पाई चलाई जा रही मेरे से ज़्यादा ठंड लग रहा बच्चों की तरफ देखें जो क्या मैं आ गया हूँ, तो मैं सोने लगूँ थोड़ी सी देर पहले पापा को थोड़ा सा डुबा के, क्योंकि आज मेरे लाहौर जाना है, तो उनको डुबा के फिर मैं सोने लगूँ, तो उठ से आपके मिलेंगे। जब भी मैं सोया उठाऊँ तो मुझे तो वो मेरी एक साइकिल पड़ी हुई है जी ऊपर, वो देखें कबार की, किसी ज़माने में मैं चलाता था, अब मैंने बस खोल कर रख दी हुई है ऐसे। तो अब्दुल्ला आएगा तो अब्दुल्ला से पूछेंगे कि मुझे ना तबीयत ज़रा ख़राब थी, अभी तक मेरी सही नहीं हुई है, मैं देखें धूप फेंक रहा हूँ जी बैठ के, धूप अल्लाह ने दी हुई है, मैं धूप के अंदर बैठा हुआ हूँ, फिर झूला चला रहा हूँ साथ में। तो अब्दुल्ला तो उसका पूछते हैं, देखना मुझे आंटी देखती थी लंदन से, मेरी बहुत ही फ़ैन है बड़ी आंटी, लंदन से आई है, तीन चार दिन हो रहे हैं आंटी रोज़ लगातार मेरे घर आती है मुझे मिलने, लेकिन मैं घर नहीं होता सॉरी, कभी मैं कहीं जगह गया होता हूँ, कभी मैं कहीं जगह गया होता हूँ, तो मेरी मामा मुझे रोज़ ही बताती हैं। तो वो आज फिर से आई थी, तो मैं नहीं उनसे मिल पा रहा, तो इंशाल्लाह हम उनसे भी मुलाकात करेंगे। आंटी रो है उनकी आईडी वहीद भट्ट के नाम से, तो है आंटी मुझे था अंकल है, तो आंटी हैं कोई बात नहीं, उनसे भी मिल लेंगे हम, मेरी बहुत बड़ी फ़ैन है, रोज़ आती हैं लगातार, तो उनसे भी मिलना है आज, और आज नहीं किस दिन वो आएंगी फिर उनसे मिलेंगे, अब घर ही होंगे हम। तो अब्दुल्ला से पूछना है तो एक दिन छोड़ के एक दिन वीडियो बनाता हूँ, तो लेकिन नेट ख़राब है तो एक दिन में नहीं अपलोड हो पाती, मैं कभी पुप्पो घर जा करता हूँ फिर कभी काम पे, अपना नेट इतना सही नहीं चल रहा, दो तीन दिन हुए हैं, तो उम्मीद करता हूँ तो वो भी नेट ठीक हो जाएगा, फिर आपको एक दिन के बाद वीडियो मिलेगी मेरी, या डेली भी मिल सकती है। तो अभी मैं एक दिन के बाद बनाता हूँ तो आती दो दिन के बाद है यूट्यूब पर, दो दिन के बाद तीन दिन के बाद वीडियो आती है, तो अब नहीं वहाँ से ऐसा होगा, वीडियो सही आए करेगी जी। पापा लाहौर गए हुए थे, लाहौर से आए हैं, और वो कबूतर लेके आए जी साथ में अपने न्यू, मैं आपको दिखाता हूँ जी अभी, वो कबूतर बहुत ही प्यारे हैं, लक्का कबूतर है, और सराजी हैं अंदर ब्लैक वाइट ब्राउन वाइट, आपको भी दिखाता हूँ, अंदर आ गया हूँ ये देखें,
वो पहले अंडे पर वो अंडे पड़े हुए थे नीचे कबूतर के, अभी तक वो चने निकले थे। और ये कबूतर हैं जी हमारे, वो नहा रहे थे पागल हुए। ये देखें एक वो 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 देखें जी, एक ये लक्का है और एक वो लक्का है जी, वो भी ढके हुए हैं जी अंदर, बंद किए हुए हैं वो। पर आप देख रहे हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कितने ज़्यादा जी न्यू कबूतर आए हैं, अभी बहुत प्यारे हैं। अभी इनको मैंने नहीं खोला, आज मैं खोलूँगा इनको। बाबा भी गए हुए हैं सियालकोट, और वो चूहे हैं वो तोते, तोते भी बड़े हो गए हैं, पर इसका बच्चा मर गया है, उसका भी हो उसके भी बच्चा है। तो कबूतर मुझे बहुत प्यारे लगे हैं, लग के कबूतर मुझे वैसे बहुत प्यारे लगते थे, और वो सुराजी हैं शायद, मुझे इतना नहीं पता, तो पूछ के बताऊँगा जी आपको। और मेरे तोतों में भी अंडे दिए हुए हैं, वो देखें कैसे बैठी हुई है, बहुत प्यारे कबूतर हैं जी वो मेरे न्यू। और वो बच्चा एक निकला हुआ है, बहुत ज़्यादा उड़ता है, उड़ने वाला पूरा, और उस डब्बे के अंदर भी निकले हुए हैं जी बच्चे, वो देखे वो देख सकते हैं आप जी, वो बैठे हुए हैं अंदर, वो भी नहीं अब निकलते पाए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो पसंद आई है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट्स करो और शेयर करो जी। मिलते हैं अगले व्लॉग में, खुदा हाफिज़, अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।